देखो गुड मॉर्निंग। आज अपने ऑनलाइन क्लास का 48वां दिन है। अपना चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व। इसमें आज अपन भाग संख्या 5 पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से होता है। सीधे धारावाही चालक का मतलब क्या है, जैसे सीधा तार है तो इसमें करंट जा रही है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से बनेगा उसके बारे में अपने को देखना है। तो इसका अपन चित्र देख लेते हैं। पहले देखो ये रहा सीधे धारावाही चालक का, ये रहा सीधे धारावाही चालक। अगर मान लो करंट इस तरह से बह रही है इस दिशा में, तो इसका सीधे धारावाही चालक क्या होगा, ये होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बता रखा देखो डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका चित्र बनेगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सकेंद्रीय होता है, यानी कि कंसेंट्रिक होता है, यानी कि सकेंद्रीय होता है। तो इसमें देखते हैं अपन, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय चुंबकीय बल रेखाओं से बना होता है। चुंबकीय बल रेखाओं का केंद्र चालक की मध्य अक्ष पर अवस्थित होता है और उसकी पूरी लंबाई में उसकी मध्य अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय चुंबकीय बल रेखाएं पैदा होती है। फिर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा निम्न में से किसी एक नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। इसके लिए कितने 2 नियम है, उन दोनों नियम में से किसी भी एक नियम से अपन इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं अपन दायां हस्त नियम। तो पहला कौन सा देख रहे हैं, दायां हस्त नियम, यानी कि राइट हैंड रूल। यानी कि राइट हैंड रूल से अपन सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या है, इसका चित्र देख लेते हैं। देखो सीधा धारावाही चालक रख रखा, देखो अपने दाएं हाथ से इसको इस प्रकार से पकड़ना है कि अंगूठा किस दिशा में रहे, धारा की दिशा में रहे। देखो ये धारा की दिशा है, अंगूठा ऊपर की तरफ रह रहा है ना, तो धारा की दिशा किस तरफ है, ये यूँ बह रही है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ होगा, जिस तरफ अपनी उंगलियाँ मुड़ी हुई है, जिस तरफ अपनी उंगलियाँ क्या है मुड़ी हुई है। जैसे इस तरीके से देखे तो इस तरीके से, जैसे अंगूठा धारा की दिशा बता रहा है, तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियाँ है ये क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। और ये क्या बता रही है, धारा की दिशा को। अंगूठा अंगूठा किसको बता रहा है, धारा की दिशा। और ये उंगलियाँ क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, देखो यदि किसी विद्युत धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में रहे, तो उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करेगी। ठीक है, फिर आ गया कॉर्क स्क्रू नियम। अब देखते हैं अपन कॉर्क स्क्रू नियम, यानी कॉर्क स्क्रू नियम क्या होता है। तो इसके लिए अपन ये चित्र देख लेते हैं कॉर्क स्क्रू नियम का। देखो देखो ये कॉर्क स्क्रू नियम का चित्र बना हुआ है। देखो ये स्क्रू है, देखो स्क्रू को जब अपन खोल रहे हैं मान लो, तो स्क्रू क्या है बाहर की तरफ निकल रहा है, तो विद्युत धारा की दिशा क्या है ये बता रखी है, ऊपर की तरफ बता रखी है। तब चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, जिस तरफ अपन ठीक है, जिस तरह अपन पेज की घुमाव दिशा है उसी तरह से इसका क्या है, डायरेक्शन ऑफ ये अपने मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। यानी कि अपन टाइट कर रहे हैं या खोल रहे हैं, जैसे इस तरह किसी देखे मान लो ये टाइट यूं करके घुमा रहे हैं अपन, टाइट कर रहे हैं, तो अंदर की तरफ क्या हो गया, करंट हो गई। और जिस तरफ ये पेज घूम रहा है टाइट करने के लिए, उस तरफ क्या हो गया, इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। ठीक है, तो देखते हैं यदि विद्युत धारावाही चालक के एक सिरे पर बोतल की कॉर्क खोलने वाले पेज की नोक चालक में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को आगे बढ़े, तो पेज की घुमाव दिशा ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आ गया विद्युत धारावाही लूप का चुंबकीय क्षेत्र। लूप कैसे होता है, लूप इस तरीके से होता है, जैसे कोई ये लूप बनाया आपने, ये क्या हो गया एक प्रकार का लूप हो गया। इस लूप का चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से होता है, तो वो अपन देख लेते हैं। देखो ये हो गया बना हुआ है ये लूप। ठीक है, अब लूप का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र भी विद्युत जो सीधा धारावाही चालक है, यानी कि जो स्ट्रेट तार है उसके समान ही होता है, लेकिन फर्क क्या होता है, इसमें
इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस तरफ होता है, अंदर की ओर बन रहा है। देखो ये तीर से बता रखा है, किस तरह से बनता है, अंदर की ओर बनता है। देखो ये लूप हो गया, यहाँ से धारा प्रवाह होके यूं होके यूँ बाहर निकल रही है। देखो यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, और ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है अंदर, ठीक है। तो ये विद्युत धारावाही, अब इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या है तो वो देख लेते हैं। तो विद्युत धारावाही लूप का चुंबकीय क्षेत्र भी स्वकेंद्रीय बल रेखाओं से बना होता है। अंतर यह होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं लूप के अंदर की ओर कुछ सघन हो जाती है और लूप के बाहर की ओर कुछ दूर दूर रहती है। फिर विद्युत धारावाही सोलेनोइड का चुंबकीय क्षेत्र, सोलेनोइड मतलब मैंने क्या है, कोई कॉइल है जिसे अपन समझे, सोलेनोइड का मतलब ये है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, इस कीटक को देख के अपन समझ सकते हैं। जैसे मान लो इसका जो ये धागा दिख रहा है, ये धागा एक प्रकार से क्या मान ले अपन, तार मान ले, और ये क्या हो गया, खोखला हो गया। जो सोलेनोइड बनती है उसी प्रकार से बनती है, ऐसा खोखला होता है उसके ऊपर इस तरह से तार क्या लपेटा हुआ होता है, लेकिन वो तार क्या होता है, इनेबल्ड होता है, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। सादा तार लपेटेंगे तो वो शॉर्ट होता है तो वो काम नहीं करता है, इस तरीके से होता है। जैसे इनेबल तार इस तरह से लपेट रखा है तो ये क्या बन गया, एक प्रकार की सोलेनोइड बन गई। तो इसका अपन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए भी क्या है, दो नियम है, हेलिक्स का नियम और सिरे का नियम। तो अपन सोलेनोइड के बारे में देख लेते हैं। देखो सोलेनोइड अथवा कोयल का चुंबकीय क्षेत्र लगभग छठ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। सोलेनोइड का एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति कार्य करता है। इसकी ध्रुवता निम्न में से किसी एक नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। पहला हो गया हेलिक्स नियम। हेलिक्स नियम क्या है, हेलिक्स नियम में क्या होता है, हाथ से किसी कोयल को इस प्रकार से पकड़ना है कि जो मुड़ी हुई उंगलियां है वो धारा की दिशा को बताए। इसमें ये मुड़ी हुई उंगलियां किसको बताए, धारा की दिशा है। तो अंगूठा क्या बता देगा अपने को, एन पोल बता देगा, यानी अंगूठा जिस तरफ रहेगा वो हमेशा क्या बताएगा, एन पोल बताएगा, ठीक है। तो इसका चित्र देखते हैं अपन। देखो ये देखो हेलिक्स का ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ना है, तो ये क्या बताएगा, एन पोल बता देगा। देखते हैं यदि सोलेनोइड को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि उंगलियां सोलेनोइड में से विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाए तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को इंगित करेगा। फिर आ गया सिरे का नियम, यानी कि इसको एंड रूल भी बोलते हैं, सिरे का नियम यानी कि एंड रूल। इसमें क्या होता है, तो इसमें यह होता है जब धारा बह रही होती है, अगर वो इसकी दिशा में हो, घड़ी की दिशा में चल रही है धारा, तो वहाँ पर क्या पोल बनेगा, एस पोल बनेगा, और बाकी विपरीत दिशा में क्या पोल बनेगा, एन पोल बनेगा। देखो यदि सोलेनोइड के एक सिरे को ध्यानपूर्वक देखने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाह घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा या दक्षिणावर्त दिशा में है तो वह सिरा दक्षिण ध्रुव होता है। यदि विद्युत प्रवाह की दिशा उक्त के विपरीत या वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है तो वह सिरा क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। देखो ये बता रखा, इस दिशा में करंट बह रही है एक सिर को देखने पर तो वहाँ पर क्या होगा, एस पोल बनेगा, और इस तरह से होगा तो वहाँ पर क्या बनेगा, एन पोल बनेगा। ठीक है, आज के लिए बस यही है।